दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 25 जनवरी 2024 गुरुवार। एक बार फिर से हम आपके लिए आज की 7 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा धारक कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि किन किन 7 विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं 25 जनवरी 2024 की 7 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हां दोस्तों, जो यहां पर इसमें फर्स्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ होमगार्ड्स में। होमगार्ड निदेशालय महानिदेशालय दिल्ली होमगार्ड के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। होमगार्ड की यहाँ पर पोस्ट है गृह रक्षक के लिए 10,285 वैकेंसीज निकली है। आवेदन इसके लिए 24 जनवरी से चल रहे हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 13 फरवरी 2024 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 13 फरवरी 2024 है। 25,000 रुपये सैलरी है प्रति माह के लिए। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 45 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये सभी कैटेगरी के लिए फीस है, जो कि आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे। बात अगर फिजिकल टेस्ट डिटेल की जाए तो हाइट मेल के लिए 165 सेंटीमीटर है, जबकि फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है। रनिंग 1600 मीटर यहाँ पर 30 वर्ष के लिए 6 मिनट है और 30 से 40 वर्ष के लिए 7 मिनट की टाइम है और 40 से 45 वर्ष के लिए 8 मिनट का टाइम रहेगा। और यहाँ पर फीमेल के लिए भी 1600 मीटर यहाँ पर 30 साल तक के लिए 8 मिनट का टाइम है, 30 से 40 के लिए 9 मिनट का टाइम है, 40 से 45 के लिए 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दिल्ली जॉब लोकेशन है homeguard.dilli.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर की जॉब निकली है वो निकली है चंडीगढ़ पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस विभाग के अंतर्गत कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आईटी की पोस्ट है, 144 वैकेंसीज है। आवेदन इसके लिए भी 23 जनवरी से चल रहे हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 13 फरवरी 2024 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 13 फरवरी है। एग्जाम डेट 3 मार्च 2024 है। सैलरी 21,700 से 69,100 है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो बैचलर या मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन और डाटा साइंस और कंप्यूटर साइंस एंड अलाइड फील्ड से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ओबीसी के लिए 1,000 रुपये फीस है। SCWS के लिए 800 है, जो कि आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो। टीयर फर्स्ट टेस्ट और टीयर सेकंड टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। चंडीगढ़ जॉब लोकेशन है chandigarhpolice.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें थर्ड नंबर की जॉब निकली है वो निकले नेशनल डिफेंस एकेडमी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA के अंतर्गत। ग्रुप सी की यहाँ पर ये पोस्ट है। इसके अंतर्गत मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, लो डिवीजन क्लर्क LDC, स्टेनोग्राफर, ड्राफ्टमैन, कुक, सिविलियन, मोटर ड्राइवर, कारपेंटर, फायरमैन और भी अन्य पोस्ट निकली है। 198 वैकेंसीज है। आवेदन इसके लिए 27 जनवरी से शुरू होंगे। लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 16 फरवरी है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 16 फरवरी 2024 है। सैलरी 18,000 से 56,900, 19,900 से 63,200, 25,500 से 81,100 है अलग अलग पोस्ट के लिए प्रति माह के लिए। 10वीं 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 27 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। NDACIVRECT.gov.in पोर्टल से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें फोर्थ नंबर की जॉब निकली है वो निकली है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन स्कूल एजुकेशन में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर DSE पुडुचेरी स्कूल शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT की पोस्ट है। 300 वैकेंसीज है। आवेदन इसके लिए 23 जनवरी से चल रहे हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 22 फरवरी 2024 है। 9,300 से 34,800 सैलरी है प्रति माह के लिए।
बीएड बीटी से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। पुडुचेरी जॉब लोकेशन है schooledn.py.gov.in और recruitment.py.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसमें 5 नंबर की जॉब निकली है, वो निकली है एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड में। EDCIL के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। PGT टीचर की पोस्ट है। 100 वैकेंसीज है। आवेदन इसके लिए 16 जनवरी से चल रहे हैं। लास्ट डेट 15 फरवरी है। 140,000 सैलरी है। बीएड पीजी से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 55 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। प्री ऑनलाइन इंटरव्यू और फिजिकल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। edcilindia.co.in पोर्टल से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें 6 नंबर की जॉब निकली है, वो निकली है नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। नगर निगम के अंतर्गत ये भर्ती है। मेडिकल ऑफिसर MO स्टाफ नर्स मेल फीमेल की पोस्ट है। 110 वैकेंसीज निकली है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 1 फरवरी 2024 है। सैलरी मेडिकल ऑफिसर के लिए 60,000 है। स्टाफ नर्स के लिए 20,000 है। GNM डिप्लोमा BSc MBBS से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट मैक्सिमम मेडिकल ऑफिसर के लिए 70 वर्ष है। ओपन कैटेगरी के लिए 38 वर्ष है और यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के लिए 43 वर्ष है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। मुंबई जॉब लोकेशन है NMMC.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 7 और लास्ट नंबर की जॉब निकली है, वो निकली हुई है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में। लोक सेवा आयोग OPSC के अंतर्गत भर्ती है। ये भर्ती होगी यहाँ पर वेटनरी असिस्टेंट सर्जन एडिशनल वेटनरी असिस्टेंट सर्जन पोस्ट के लिए। 539 वैकेंसीज है। आवेदन इसके लिए आज ही से शुरू होने जा रहे हैं। आवेदन के स्टार्टिंग डेट 25 जनवरी 2024 है। लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 26 फरवरी 2024 है। 56,100 सैलरी है प्रति माह के लिए। डिग्री वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 38 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। रिटर्न एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उड़ीसा जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। opsc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज के इनके 25 जनवरी 2024 गुरुवार की टॉप 7 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।